लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल कर दिया। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही ने अदालत के तलब करने पर असेंबली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहानी जमा करा दी। कहा, क्या आप एतमाद का वोट लेंगे? अदालत का इस्तफसार। गवर्नर के वकील ने कहा उन्हें 3 रोज़ में एतमाद का वोट लेने का पाबंद किया जाए। अदालत ने फरीकैन से 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। गवर्नर की गैर आइनी इकदाम को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अदालत को आइंदा समात का असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी कराई है। मुनिस इलाही का कहना है कि अदालतों का एहतराम करते हैं, जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी दिन असम्बली तोड़ देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। पाक अफगान सरहद पर फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों से मुलाकात भी की। और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का पहले ही दिन बड़ा फैसला। रमीज राजा की बनाई हुई तमाम कमेटियां खत्म। नेशनल विमेन और जूनियर सिलेक्शन कमेटियां फारिग। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और विमेन चीफ सेलेक्टर इस्माविया इकबाल की छुट्टी कर दी गई।